आ यहाँ पे आप और हम तैयार हैं, तो आइए शुरू करते हैं पेपर नंबर 5। पहला प्रश्न है, सूचना किसे कहते हैं? सूचना किसे कहते हैं? ऑप्शन है हमारे सामने, अव्यवस्थित आंकड़े, असंसाधित आंकड़े, संसाधित आंकड़े, प्रक्रियाकृत आंकड़े। सूचना, सूचना किससे बनी है? डाटा, डाटा के इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन का व्यवस्थित समूह ही हमारी सूचना कहलाती है, अर्थात सही ऑप्शन रहेगा संसाधित आंकड़े। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूचना से वृद्धि प्राप्त करने के लिए वास्तविक प्रक्रिया क्या होती है? सूचना से वृद्धि प्राप्त करने के लिए वास्तविक प्रक्रिया क्या होती है? हमें सही क्रम बताना है, सूचना, डेटा, ज्ञान या वृद्धि। दूसरा ऑप्शन है वृद्धि, बुद्धि, सूचना, ज्ञान और डेटा। तीसरा ऑप्शन है हमारा डेटा, सूचना, ज्ञान, बुद्धि। चौथा है ऑप्शन डेटा, ज्ञान, सूचना और बुद्धि। हमें सूचना को, सूचना से वृद्धि प्राप्त करने के लिए वास्तविक प्रक्रिया क्या होती है? तो सही क्रम रहेगा अपना डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, अर्थात डेटा, सूचना, ज्ञान और बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूचना उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों है, किसका कथन है? कथन दे रखा है और पूछा है कि इन 4 ऑप्शन में से वह यह कथन किन का है। सूचना उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों जे मार्टिन महोदय का है। जे मार्टिन महोदय ने कहा है कि सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूचना के 3 प्रकार हैं। सूचना के कितने प्रकार? 3 प्रकार है, तो वो कौन कौन से? सांख्यिकी, वर्णनात्मक और विश्लेषित। सूचना के 3 प्रकार है, याद रखिएगा, सांख्यिकीय, वर्णनात्मक और विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूचना शब्द का प्रयोग कब किया गया? यह सही नहीं है, इसको सही कर लीजिए। सूचना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा कब जोड़ा गया? ऑप्शन है हमारे सामने, 1955, 1950, 1960, 1965। इन 4 में से नहीं है। सूचना शब्द का प्रयोग पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा 1964 में करवाया गया। कब जोड़ा गया? 1964 में। पुस्तकालय में विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मार्टिन श्रेटिंगर द्वारा कब जोड़ा गया? इसे भी सही कर लीजिए, टाइपिंग एरर है। पुस्तकालय में विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मार्टिन श्रेटिंगर द्वारा कब जोड़ा गया? 1808 में। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का व्यापक प्रयोग, यानी कि पुस्तकालय में साइंस शब्द का प्रयोग मार्टिन श्रेटिंगर ने 1808 में जोड़ा, जिसका व्यापक प्रयोग 1928 में रंगानाथन जी के 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आने के बाद में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना की इकाई है बिट, बाइट, ग्राम या हर्ट्ज, क्या होगी? बाइट। गुड। सूचना समाज पद किसने विकसित किया? सूचना समाज पद किसने विकसित किया? जे मार्टिन महोदय ने। कब आया? 1966 में। अच्छा, सूचना समाज शब्द का प्रादुर्भाव जापान में किस वर्ष हुआ? यह नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूचना समाज शब्द का प्रादुर्भाव जापान में किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है हमारे सामने, 1950, 1960, 1965, 1970। सूचना समाज शब्द का प्रादुर्भाव 1959-60 में जापान में प्रकाश में आया था, और सबसे पहले 1933 में फिटिज मैचलप ने सबसे पहले सूचना समाज का विकास किया था। अब इन्हीं से संबंधित किन्होंने और क्या क्या कहा, जैसे सूचना पुनर्प्राप्ति, इंफॉर्मेशन रिट्रेवल, काल्विन मोर्स ने 1950 में, नोट डाउन कर लीजिए, सूचना पुनर्प्राप्ति, इंफॉर्मेशन रिट्रेवल, काल्विन मोर्स 1950 में। इसी तरह पुस्तकालय व ज्ञान समाज अर्थात नॉलेज सोसाइटी किनका है? पीटर एफ ड्रगर। पीटर एफ ड्रगर ने कब कहा?
1969 में। और इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी, शब्द आता है कि इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी, पॉल पॉल जी जुरोवास्की ने, कब? 1970 में, 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना समाज का आवश्यक तत्व है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सूचना समाज का आवश्यक तत्व है, सूचना का संग्रह, सूचना का संसार, सूचना का प्रकीर्णन, सूचना पुनर्प्राप्ति। सूचना समाज का आवश्यक तत्व है सूचना का संचार, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट दे रखा है आपको, चारों चार दे रखे हैं, उनमें से यह स्टेटमेंट किसका है? ग्रंथालय विज्ञान एक सूचना विज्ञान धीरे धीरे विकसित होने वाले विषय हैं। ग्रंथालय विज्ञान एवं सूचना विज्ञान, यह कथन आपका विलियम सर का है। ऑप्शन है हमारे सामने विलियम, रंगनाथन महोदय, जे मार्टिन और बटलर। अपन इन चारों के बारे में हमें पता होना चाहिए, इन्होंने सभी ने के क्या क्या कथन दिए गए। एक एग्जाम में एक प्रश्न हमेशा कथन से संबंधित रहता है। तो रंगनाथन जी ने कहा था कि पुस्तकालय एक सामाजिक अभिकरण है, सोशल एजेंसी। क्या कहा था? सोशल एजेंसी है। जे मार्टिन महोदय ने क्या कहा था? पुस्तकालय सामाजिक व्यवस्था का एक एकीकृत प्रतिरूप है। क्या कहा था? एकीकृत प्रतिरूप। और रंगनाथन जी ने क्या कहा? सोशल एजेंसी। और ऑप्शन नंबर हमारा डी है, बटलर। बटलर महोदय ने कहा कि पुस्तकालय सामाजिक संरचना की अनिवार्य इकाई है। नोट डाउन कर लीजिए इन चारों का। विलियम सर ने क्या कहा है? ग्रंथालय विज्ञान है सूचना विज्ञान धीरे धीरे विकसित होने वाले विषय हैं। रंगनाथन महोदय का सोशल एजेंसी, जे मार्टिन महोदय का सामाजिक व्यवस्था का एकीकृत प्रतिरूप, और बटलर महोदय का सामाजिक संरचना की अनिवार्य इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेनन का गणितीय फॉर्मूला किससे संबंधित है? सेनन का गणितीय फॉर्मूला किससे संबंधित है? ऑप्शन है, संदेश को भेजना, डेटाओं को पढ़ना, सूचना सिद्धांत की व्याख्या, या कोई नहीं। सही आंसर आपका रहेगा संदेश को भेजना। यह कब आया था फॉर्मूला? 1948 में। फॉर्मूले का प्रयोग कहाँ किया गया था? गणितीय, सेनन के गणितीय फॉर्मूले को कहाँ प्रयोग किया गया था? एक लेख में, अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन में किया गया था। किसमें किया, कौन से लेख में किया गया था? अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन में। सेनन के गणितीय फॉर्मूले से संबंधित और अपन यहाँ पे क्या कर सकते, और क्या क्या ध्यान रखना है? 1937 में डिजिटल सर्किट डिजाइन सिद्धांत दिया गया था। कब आया था? 1937 में। कौन सा? डिजिटल सर्किट डिजाइन सिद्धांत। और गणितीय फॉर्मूले में था क्या? कोड ब्रेकिंग और टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित था, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय रक्षा के लिए क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में योगदान दिया गया था। आप स्पेशली इन्हें लिख लीजिएगा, 1937 में डिजिटल सर्किट डिजाइन का सिद्धांत, और यह कोड, सेनन का गणितीय फॉर्मूला क्या था? कोड ब्रेकिंग टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय रक्षा के लिए क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में योगदान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्धिक संपदा को सबसे पहले कहां परिभाषित किया गया था? बता सकते हैं? ऑप्शन है हमारे सामने, अमेरिकन स्टेट, इटालियन स्टेट, यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन स्टेट। क्या रहेगा आंसर? अमेरिकन स्टेट नहीं, यूनाइटेड स्टेट, 1852 में, 1852 में। और भारत में बौद्धिक संपदा कानून कब आया था? 1856 में। यह भी पूछा जाता है कि यह कानून किससे प्रभावित है, तो यूके के ही 1852 के सिद्धांत से ही यह प्रभावित है, बौद्धिक संपदा के से ही प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बौद्धिक संपदा का क्रय और विक्रय संभव है? बिल्कुल है। बौद्धिक संपदा के प्रकार, कॉपीराइट, औद्योगिक, बौद्धिक पूछा जाता है कि बौद्धिक संपदा का स्वरूप क्या है, मूर्त या अमूर्त,
बौद्धिक संपदा का स्वरूप क्या है पूछा जाता है। ऑप्शन में दे दिया मूर्त अमूर्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। बौद्धिक संपदा का स्वरूप होता है अमूर्त होता है। कैसा होता है? अमूर्त होता है। बौद्धिक संपदा से संबंधित कोई संस्था जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही हो तो आपने नाम सुना होगा WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कार्यालय कहाँ है? जिनेवा में। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। सभी यूट्यूबर साथियों से निवेदन रहेगा, उन्हें यह श्रृंखला पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह आप संस्था के ऑनलाइन ऐप में हर बुधवार और शनिवार को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दीजिए जिनका हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार किस रूप में मान्य है? ऑप्शन है हमारे सामने प्रकाशन, पेटेंट या उपयोग दोनों या दोनों में से कोई नहीं। आपका यह बौद्धिक संपदा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है इसी टेस्ट सीरीज से। बौद्धिक संपदा से संबंधित 8 से 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके, तो इन्हें एक तरह से आप नोट करते जाइए और इनका आंसर रहेगा आपका बौद्धिक संपदा अधिकार किस रूप में मान्य है? प्रकाशन, पेटेंट दोनों ही रूप में मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेटेंट सूचना प्रणाली का कार्य कहाँ कार्यालय कहाँ स्थित है? पेटेंट सूचना प्रणाली का कार्यालय नागपुर में स्थित है। कहाँ है? ऑप्शन थे आपके सामने पुणे, मुंबई, दिल्ली या नागपुर, तो पेटेंट सूचना प्रणाली का कार्यालय नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और आ गया बौद्धिक संपदा से संबंधित विश्व स्तर की संस्था कौन सी है? अभी हमने देखा था WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, 1967 में स्टॉकहोम में इनका स्थापना हुई थी और कार्यालय कहाँ है? अभी बताया था आपको जिनेवा में, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी कृति अथवा रचना का कृतिकार का क्या अधिकार है? ऑप्शन है आपके सामने प्रतिलिपिकार, कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा अधिकार, पेटेंट अधिकार या ट्रेडमार्क अधिकार। कॉपीराइट अधिकार, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिलिप्याधिकार का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने कृतिकारों के अधिकारों को वैधानिक संरक्षण, अन्य व्यक्तियों का अनाधिकृत उपयोग रोकना, बौद्धिक संपदा को प्रोत्साहित करना या इनमें से कोई नहीं। कॉपीराइट का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन रहेगा कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉपीराइट संबंधित प्रथम एक्ट कब लागू किया गया? ऑप्शन है आपके सामने इंग्लैंड 1710, इंग्लैंड 1850, भारत 1956, अमेरिका 1810। कब किया गया था? अमेरिका 1810 नहीं, इंग्लैंड 1710। कॉपीराइट संबंधित प्रथम एक्ट कब लागू हुआ था? इंग्लैंड 1710 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में सबसे पहले प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया और किस वर्ष लागू किया गया? ये दोनों ही चीजें पूछी जाती है अधिकतर, या तो पूछा जाता है कब पारित हुआ और या पूछा जाता है कब लागू हुआ। तो कॉपीराइट भारत में 1957 में यह एक्ट पारित हुआ और लागू कब किया गया था? 21 जनवरी 1958 में, नोट डाउन कर लीजिए 21 जनवरी 1958 में। बता सकते हैं ये कितने वर्ष के लिए कॉपीराइट होता है? कॉपीराइट कितने वर्ष की अवधि के लिए होता है? मृत्यु के 60 वर्ष तक। सही क्या रहेगा आपका? पूछा जा सकता है कि कॉपीराइट अधिनियम कब तक लागू रहता है? मृत्यु के 60 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, 1886 में
प्रथम अंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट सम्मेलन कहाँ हुआ? 1886 में प्रथम अंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट कहाँ हुआ? बर्न स्विट्जरलैंड में। कहाँ हुआ था? बर्न स्विट्जरलैंड में। डेट बता सकते हैं? 1886 में तो हुआ था, पर एक्चुअल डेट क्या थी? 6 दिसंबर 1886 में फर्स्ट। और सेकंड, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका आ ही गया। दूसरा अंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट सम्मेलन 1952 में कहाँ हुआ था? जिनेवा में। पहला आपने देखा बर्न स्विट्जरलैंड में, तो और दूसरा जिनेवा में, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सूचना नीति किनके द्वारा संस्थापित की गई थी? ऑप्शन है यूजीसी, आरआरएलएफ, निशान और एनआईसी। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सूचना नीति आरआरएलएफ द्वारा विकसित की गई थी। इनके द्वारा की गई थी संस्थापित? आरआरएलएफ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचना नीति क्या है? ऑप्शन है सूचना को निर्देशित करने की व्यवस्था, सूचना का प्रबंध करने की व्यवस्था, सूचना का निर्देशन, प्रबंध एवं विकास की व्यवस्था, और डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर रहेगा सूचना का निर्देशन, प्रबंधन व विकास की व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, भारत में वैज्ञानिक नीति का श्री गणेश, भारत में वैज्ञानिक नीति का श्री गणेश करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है आपके सामने जवाहरलाल नेहरू, राधाकृष्णन, रंगनाथन, होमी जे भाभा। जवाहरलाल नेहरू सही आंसर रहेगा। 1958 के लोकसभा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को प्रस्तुत करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, आरआरएलएफ के अतिरिक्त भारत में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रंथालय एवं सूचना नीति की स्थापना में किसका योगदान है? आरआरएलएफ के अतिरिक्त आईएलए का, वेरी गुड, किसका योगदान है? आईएलए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ग्रंथ नीति पर डॉक्टर पीटर लाजार का प्रतिवेदन किस देश से संबंधित है? राष्ट्रीय ग्रंथ नीति पर डॉक्टर पीटर लाजार का प्रतिवेदन किस देश से संबंधित है? ग्रेट ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल लाइब्रेरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने वीएस झा, केपी सिन्हा, एस मुदालियर, सीडी देशमुख। नेशनल लाइब्रेरी कमेटी के अध्यक्ष वीएस झा थे। रिवाइन कमेटी, रिव्यू कमेटी 1969, और केपी सिन्हा एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी 1957 में। सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए एडवाइजरी कमेटी बनाई, गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेंज कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, विज्ञान व प्रौद्योगिकी नीति के तहत किस पंचवर्षीय योजना में 1.17 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था? 1.17 करोड़ रुपए का किस पंचवर्षीय योजना में आपका किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव भारत में कब पारित हुआ? वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव भारत में कब पारित हुआ? अभी हमने देखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, क्वेश्चन था आपका भारत में वैज्ञानिक नीति का श्री गणेश पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो यह कब आई थी? 1958 में दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, संसद में पारित करवाया गया, तथा इसी समय डीआरडीओ की भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर रंगनाथन की प्रथम पुस्तक थी? ऑप्शन देखते हैं अपन, कॉलन पद्धति, लाइब्रेरी मैनुअल, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी, पॉलीगैमिना। चारों ही पुस्तकें डॉक्टर रंगनाथन महोदय की है,
तो देखते हैं कौन सी पुस्तक कब आई, कॉलन पद्धति कब आई थी, 1933 में, लाइब्रेरी मैनुअल 1951 में, फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी 1928 में, पॉलीगोमिना 1937 में। फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी 1928 में लिखी गई और 1931 में प्रकाशन हुआ था। तो प्रथम पुस्तक कौन सी थी, फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी। 33 क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर रंगानाथन द्वारा प्रतिपादित पांच नियम है, मौलिक अनुसंधान, शुद्ध अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, सर्वेक्षण अनुसंधान। डॉक्टर रंगानाथन महोदय के दर्शन से संबंधित थे, तो मौलिक अनुसंधान के दर्शन पर आधारित थे फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के सिद्धांत नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर रंगानाथन का द्वितीय नियम पाठकों को ग्रंथालय सेवाओं के प्रदान के लिए वकालत करता है, किसकी वकालत करता है, ऑप्शन देखिए, सूचना प्रकीर्णन, जनतंत्रीकरण, विस्तार कार्य, प्रचलन कार्य। डॉक्टर रंगानाथन का द्वितीय नियम पाठकों को ग्रंथालय सेवाओं के प्रदान करने के लिए जनतंत्रीकरण की वकालत करता है, किसकी वकालत करता है, जनतंत्रीकरण, जनता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालय सहयोग को आजकल कहा जाता है, ग्रंथालय सहयोग को आजकल क्या कहा जाता है, ऑप्शन है हमारे सामने, संसाधन साझेदारी, सहकारी ग्रंथालय, ग्रंथालय मित्रता, ग्रंथालय गठबंधन, संसाधन साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रंथालय सहयोग संसाधन साझेदारी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसाधन साझेदारी है, ऑप्शन है आपके सामने, पुस्तकों की साझेदारी, पाठ्य सामग्री की साझेदारी, संसाधनों की साझेदारी, संसाधनों, सेवाओं, उपकरणों और स्टाफ की साझेदारी। तो सही आंसर आपका डी रहेगा, संसाधनों, सेवाओं, उपकरणों और स्टाफ की साझेदारी। 37 है आपका, अंतर ग्रंथालय ऋण सेवा प्रारंभ करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, चार ऑप्शन है, संघ प्रसूची, प्रसूची, विभाजित प्रसूची या पत्रक प्रसूची। 37 क्वेश्चन है आपका, संघ सूची, सही आंसर रहेगा संघ प्रसूची। अंतर ग्रंथालय ऋण सेवा को प्रारंभ करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, संघ प्रसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर ग्रंथालय संसाधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, जेएनयू दिल्ली में, कहाँ स्थापित किया गया था, जेएनयू दिल्ली में, वेरी गुड। सहभागी सूचीकरण का उदाहरण है, संसाधन साझेदारी ही पूरा टॉपिक आपका ले लिया गया है, लगातार 5-6 क्वेश्चन आ गए आपके। संसाधन सूचीकरण का उदाहरण है अंतर ग्रंथालय ऋण, केंद्रीकृत सूचीकरण, संसाधन साझेदारी, संघ सूची। सही आंसर रहेगा आपका संसाधन साझेदारी। 14 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा संसाधन साझेदारी का भाग नहीं है, पुस्तकों का अर्जन, पुस्तकों का संग्रह, पुस्तकों का आदान प्रदान, कार्मिक प्रबंध, क्या रहेगा आंसर, कार्मिक प्रबंध। संसाधन साझेदारी का भाग कौन सा नहीं है, कार्मिक प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसाधन साझेदारी में बोल्ड मॉडल क्या है, उपकरणों से संबंधित साधन, उपकरणों से संबंधित उपाय, उपकरणों से संबंधित सेवाएं या पुस्तकों एवं पाठ्य सामग्री। सही आंसर आपका रहेगा उपकरणों से संबंधित सेवाएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 42, अमेरिका में ग्रंथालय अधिनियम कब पारित हुआ, अमेरिका में ग्रंथालय अधिनियम कब पारित किया गया, ऑप्शन है 1850, 1876, 1880 या 1900। अमेरिका में ग्रंथालय अधिनियम 1876 में पारित किया गया, 1876 में, एशियाई देशों में
जापान में ग्रंथालय अधिनियम 1899 में लागू किया गया। बताइए कि विश्व का पहला पुस्तकालय अधिनियम किसे माना जाता है? आप यहाँ पे दो देखते हैं, पहला 2 नवंबर 1789 जो फ्रांस ने लागू किया था, जो आपको पता है कि ज्यादा प्रभावी नहीं हुआ था, या तो पहला इसे माना जाता है, नहीं तो दूसरा रहता है आपका 14 अगस्त 1850 को इंग्लैंड और वेल्स ने लागू किया, तो हम इसे पहला मानते हैं क्योंकि पहले वाला जो था आपका फ्रांस का वो ज्यादा प्रभावी नहीं हुआ था। तो आपको दोनों डेट याद रखनी है, जो भी ऑप्शन में हो उसे सही करना है, 2 नवंबर 1789 और 14 अगस्त 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूस में ग्रंथालय अधिनियम कब पारित हुआ था? रूस में ग्रंथालय अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है आपके सामने 1850, 1876, 1821 या 1961। नहीं 1821 नहीं, 1921 करो, टाइपिंग मिस्टेक है। 1921 में तीन देशों के अधिनियम एक साथ जारी हुए थे, पारित हुए थे, बेल्जियम, फिनलैंड और रूस। लिख लीजिए 1921 में बेल्जियम, फिनलैंड और रूस। ऑप्शन है आपके सामने 1876। 1876 में अभी हमने पीछे देखा था अमेरिका में, और 100 साल बाद 1976 में आइसलैंड ने जब पारित किया था। तो भारत में ग्रंथालय अधिनियम कब पारित किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई गया, भारत में ग्रंथालय अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन है आपके सामने 1802, 1945, 1948 या अभी नहीं हुआ। भारत में ग्रंथालय अधिनियम अभी तक पारित नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रंथालय में लाइब्रेरी सेस की दर प्रति रुपया है? ग्रंथालय में लाइब्रेरी कैश यानी कि टैक्स की दर क्या रही थी? तो हम जानते हैं कि पहला अधिनियम मद्रास, जहां 10% थी, फिर आपका आया आंध्र प्रदेश 8%, और फिर तीसरा था आपका कर्नाटक 5%। तो आपको पूछा गया है आंध्र प्रदेश 8 पैसे। तो हमने देखा कि 10 पैसे के मद्रास 1948 तमिलनाडु का, 8 पैसे का आपका 8% आंध्र प्रदेश 1960 और 6% कर्नाटक 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, भारत के किस राज्य में 1888 में ग्रंथालय अधिनियम पारित हुआ था? आंध्र प्रदेश में भारत के किस राज्य में 1888 में ग्रंथालय अधिनियम पारित हुआ था? ऑप्शन है आपका केरल, हरियाणा, मणिपुर, कर्नाटक। केरल में 1989, हरियाणा भी 1989, मणिपुर 1988 और कर्नाटक 1965। सही आंसर रहेगा आपका मणिपुर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ग्रंथालय उपकर किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए वित्त का साधन है? ऑप्शन दे रखे हैं सार्वजनिक, शैक्षणिक, विशिष्ट या राष्ट्रीय। वेरी गुड, सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक ग्रंथालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48, किन राज्यों में ग्रंथालय अधिनियम का प्रावधान नहीं है? देखिए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, सी ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश। ये चारों ऑप्शन सही है, ई कर लीजिए कोई नहीं, सभी में ग्रंथालय अधिनियम लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश में ग्रंथालय प्रतिकर किसके अंतर्गत संग्रहित किया जाता है? मनोरंजन,
संपत्ति कर, भूमि कर या आयु कर, किससे संबंधित है आपका? संपत्ति कर से। आंध्र प्रदेश में संपत्ति कर के साथ में आपका 8% टैक्स लिया जाता है के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतिम आज का, भारत में पुस्तकालयों के विकास हेतु गठित ब्रिटिश सरकार का प्रथम आयोग कौन सा था? कौन सा था? ऑप्शन देख लीजिए, सैडलर आयोग, हंटर आयोग, रॉबर्ट आयोग, कोठारी आयोग। कौन सा आयोग था? हंटर आयोग। वेरी गुड। कब आया? 1882 में। तो ये था हमारा टेस्ट नंबर 5। ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा ऐप में, हर शनिवार और रविवार को, शनिवार को होता है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी यूट्यूबर्स से निवेदन रहेगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं और श्री समृद्धि क्लासेज की यह पहल आपको कैसी लग रही है, और कोई किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, जहाँ से आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और